जलालाबाद तो विधायक जगदीप गोल्ड कंबोज के वलों किया गया वड्डा ऐलान, हर पिंड के बाहर लगेगा ग्रांटा दे लई बोर्ड जिस दे उपर लिखा होएगा कि पिंड नूं किन्नी ग्रांट आई, किन्नी ग्रांट लगाई गई, किहड़े किहड़े कम्मां ते लगी अते बकाया राशि किन्नी है। विधायक ने कहा कि हुण तों पहलां कदे पता ही नहीं लगदा सी कि पिंड नूं किन्नी ग्रांट मिली है। यही कारण सी कि पिंडां दे विच ग्रांटां नूं लैके कपले हुंदे आए, पर हुण ऐसा नहीं होएगा। उन्हां कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पिंड दे बाहर एक बोर्ड लगाया जाए जिस दे उपर पूरी सूचना होवे भी पिंड दे विच बाहर एक बोर्ड लाया जाए, उहदे च नोटिस दिता जाए भी इस पिंड च इन्नी ग्रांट आई है, इस काम करके आई है, इस काम करके असी ग्रांट लई गई है, क्योंकि अज तक पता ही नहीं लग्या किसी नूं ग्रांट आई क्यों। हदायत है भी हर अफसर साहबान और सारे MLA पिंडां च जाके उन्होंने लोगों के मसले हल करन। सो इस काम की शुरुआत हुई, इसलिए DC मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शुरुआत जलालाबाद के बॉर्डर के पिंड तो टंडी खुर तो की है। सो इसलिए हम टाइम टू टाइम कैंप लगते रहेंगे, चाहे वह शेड्यूल बना के चाहे हफ्ते चलाइए चाहे महीने जिन्हें भी लगन, मैक्सीमम पूरे जिले च लगने। सो इस गल की मुबारकबाद है पंजाब के लोगों को, उन्होंने सरकार उन्होंने पिंड तो चलिया गया। RTA का जो इशू है जो उसकी असलियत यह है, क्योंकि मैं कदे झूठ बोल नहीं सकता ना मैं रह सकता, जेड़े अफसर सभा ने उदे च कुछ उपर नीचे करे उन्होंने ही देने लगा दिक्कत आती है, बाकी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, बाकी जिन्होंने कोई दिक्कत वो दस दिन बड़ी जल्दी वो RTA भी ले देंगे, क्योंकि कोई हालात यहोजे दोबारा पैदा नहीं होंगे अगली बारी तक, ताकि अगली बार असं कोशिश कर रहे हैं भी पिंड दे विच बाहर एक बोर्ड लाया जाए, उहदे च नोटिस दिता जाए भी इस पिंड च इन्नी ग्रांट आई है, इस काम करके आई है, इस काम करके असी ग्रांट लई गई है, क्योंकि अज तक पता ही नहीं लग्या किसी नूं ग्रांट आई क्यों। MLA साहब महीना डेढ़ पहला भी जो पिंडां दे विच एक मुहिम चलाई गई सी जो अलग अलग टीमों वालों चैकिंग की गई सी पिंडां दे विच दुरवरतों जिथे जिथे भी की गई सी उहदी सारी जानकारी इकट्ठी की गई सी, फिलहाल वो जिहड़ी जांच है वो कित्थों तक खड़ी है कि जाके कितें रुक चुकी है। लोगों का सवाल पैदा नहीं हो सकता, मुकमराइयां का पहला पिंड सी, मेरे नाल सारे पत्रकार सभा गए सी, उस सरपंच नूं डायरेक्टर साहब ने टर्मीनेट करता है, जिहड़ी उहदी कार्रवाई आई थिंक 216 दी शायद कार्रवाई हुंदी है, 216 दी हुंदी भी 216 इहदी कार्रवाई है, उहदा प्रोसीजर स्टार्ट कर दिता गया, प्लस जो जो उन्होंने कपला करे उसकी विजिलेंस तो इंक्वायरी करा के कोई नहीं बख्शा जाऊगा, चाहे कोई आपदा हो चाहे कोई बगाना हो। एंड सैकेंडली रत्ते थेड़ का एक पिंड का इशू से बहुत व्डा, रत्ते थेड़ की पिंड की इंक्वायरी अज टीम उत्थे पहुंची, कल ADC साहब मौके पर जाके उसकी वेरीफाई करेंगे, वो भी होजूगा। टंडी टीम की पिंड की एक इंक्वायरी सी जिद एक बोर्ड पिंड के बाहर स्वागती बोर्ड लग्या, पर वो बोर्ड उदो है ही नहीं जो असं एक्चुअल चैकिंग कर गए। सो टाइम टू टाइम थोड़ा जहा टाइम लगता है, इस करके जरूरी नहीं भी, क्योंकि मैं ये बैटर है भी DC साहब को बेनती करूँगा भी थोड़ा ये बारे ब्रीफ कर देन कि कार्रवाई रहते हैं की जाती है। एक तुम प्रॉपर फॉरमेट कंप्लेट करोगे और सरकार हिदायतें होंगे जिस हिसाब से असं उन्होंने इंक्वायरी करते हैं, देयर एंड दैन असी इतने खड़ा के कोई किसी पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, जिस बंदे ते एक्शन लेना कल वो कोर्ट से चला जाएगा, थोड़ी कंप्लेंट होएगी, वो इंक्वायरी होएगी, रिकॉर्ड चेक होएगा, दैन ओनली सरकार वो कोई एक्शन ले सकती, कार्रवाई सारी सरकारी और लीगल तरीके नाल होएगी, यह नहीं कि हूँ ही कंप्लेंट तुसी दे दो लिख के हाथ रखकर जिहड़ा कि असी वेरीफाई भी करा लेंगे, इस तरह किसी पर एक्शन नहीं सरकार ले सकती, वेरीफाई कराएगी उन्हें प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होएगी तो उस हिसाब से जो कानून एक्शन बनेगा वो जरूर। मैडम RTI का क्वेश्चन जो MLA साहब ने किया सी, RTI बहुत सारियां फाइलें जिहड़ियां लटकियां फिरदियां ने जां बोल बोल करके उन्होंने जवाब दिया, सारे डिपार्टमेंट्स नूं RTI बारे चिट्ठी लिख दांगी कि वो विद इन टाइम फ्रेम अपने RTI का जवाब दे सारियां नूं, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े DC मैम ADC मैम तहसीलदार साहब एक्शन साहब BDO साहब जिन्हें भी सारे डिपार्टमेंट, सब तो पहला थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, वाहेगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਢਾਡੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢਾਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਨਰੇਗਾ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲੋ ਅਲਾਊਡ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਕਿਨਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਲੈਨ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਨਾਡੇਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੇਚੂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਆ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨਰਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਟਲ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।